छिंदवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा के चांद उप तहसील में आदिवासी युवक के साथ चांद निवासी दीपेश सोनी एवं अन्य के द्वारा की गई मारपीट का मामला गर्मा गया है। एक आदिवासी लड़के के साथ हुई मारपीट को लेकर अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के लोगों ने थाने का घेराव किया। आपको बता दें, चांद थाना क्षेत्र के बैल बाजार में हुए विवाद को लेकर आदिवासी समूह ने चक्का जाम कर खूब हंगामा किया। उनकी मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एवं आरोपियों पर धारा 307, 326 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाए। गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करने को लेकर आदिवासी समूह ने चांद के बाजार चौक के मुख्य मार्ग चांद खमरा विचुआ सड़क को जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित रहा। साथ ही आदिवासी समूह के लोगों ने चांद बस स्टैंड पहुंचकर आरोपी की दुकान पर तोड़फोड़ की और दुकान का सामान निकालकर आग के हवाले कर दिया। आदिवासी समूह ने चेतावनी दी है कि यदि उचित जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कल शाम को एक आदिवासी युवक विनय कवरेती की मारपीट जो चांद निवासी दीपेश सोनी और कुछ लोगों द्वारा की गई थी, उसको शरीर पर विभिन्न चोटें आई थी, जिस पर कल ही थाना चांद में समझित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। इस जो घटना के विरोध में आज फरियादी के साथ कुछ लोग एकत्रित हुए थे और उनके द्वारा ये मांग की जा रही थी कि इसमें और गंभीर धारा इसमें लगाई गई। इस संबंध में जो उसका मेडिकल कराया गया है, डॉक्टर द्वारा उसको एक्सरे के लिए रेफर किया गया है, उनको समझाया गया कि ऐसी रिपोर्ट आने के बाद जिस प्रकार की रिपोर्ट आएगी उस संबंध में ही उसी हिसाब से धाराएं इसमें लगाई जाएंगी। तो पहले चौराहे पर बैठे थे, वहां से थाने की तरफ वापस ज्ञापन देने के लिए आ रहे थे। उस बीच में जो कल का आरोपी है, कल की घटनाक्रम का, उसकी शॉप थी, उसकी शटर लॉक नहीं थी, तो उसको देख के कुछ लोग प्रेरित हो गए और उन्होंने दुकान का जो टायर वगैरह है वो खींच के बाहर निकाला, उसमें आग लगा। थाने के सामने आकर के कार्रवाई की मांग की गई और इन सभी को समझाइश दी गई, बातचीत की गई, उसके बाद ये ज्ञापन देकर के यहाँ से वापस चले गए क्षेत्र में। इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान हमने लिया है। आज जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका जो पूरे CCTV फुटेज लेकर के पूरा परीक्षण करके और उस पर भी हम समझित कार्रवाई करेंगे। मिशन न्यूज के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट।